أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العلي العظيم. سورة مبارکة عنکبوت کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں، اور ان آیتوں کی تفسیر کی روشنی میں دل و نظر کا سفر جاری ہے. گزشتہ درس میں بحث ایک بے حد اہم اور مفید اور مبتلا بہ موضوع کی طرف منتقل ہو گئی، اور وہ ہے جو اسی آیت کی تفسیر کا ہی سلسلہ ہے، کہ پروردگار عالم نے جو یہ اعلان فرمایا ہے کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ایمان لے آئے اور چھوڑ دیے جائیں گے، ان کی آزمائش نہیں ہوگی، انہیں پرکھا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں ہوگا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب اکبر کو امتحان لینے کی ضرورت کیا ہے، اور اس امتحان سے غرض و غایت و فائدہ کیا ہے. حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک خطبے کے چند کلمات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ طرح طرح کے مشکلات، طرح طرح کے مصائب، طرح طرح کی آزمائشیں اس لیے کرتا ہے کہ انسان کے دل سے تکبر دور ہو جائے. یہ معمولی فائدہ نہیں، تربیت اخلاقی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے انسان بحیثیت انسان ترقی کرے، انسان بحیثیت انسان ارتقاء کے مراحل طے کرے، انسان جو کہ بنیادی طور پر ایک روحانی مخلوق ہے، اس کی روحانیت میں اضافہ ہو، اس کی نورانیت میں اضافہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر خاکساری زیادہ سے زیادہ پیدا کرے، عاجزی پیدا کرے، نہ کہ تکبر. یہ بڑا جوہری مسئلہ ہے، اور اسی لیے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کے مطالب اور اس کائنات کے حقائق اولیاء اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، خصوصاً
हज़रत पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलाम। वो शहर इल्म है, वो बाब शहर इल्म है। इसलिए इन हकायक की तरफ जब हमें कोई रिवायत मासूम से मिल जाए तो मालूम होता है कि अब किसी तरद्दुद की गुंजाइश नहीं है। इल्लत वाज़े हो गई, सबब आश्कारा हो गया, जो नहुफ्ता राज था वो सामने आ गया, जो असरार थे मुनकशिफ हो गए। ये बात मुतअद्दिद मकामात पर, चूँकि मैंने अर्ज़ किया था, पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस मरतबा ऐलान ज़रूर हुआ था कि तफसीर सूरह अनकबूत बयान होगी, लेकिन फिर मैंने उनवान में थोड़ा सा तगैर, थोड़ी सी तब्दीली पैदा की कि तफसीर आयात फवाइल। इसलिए इन्हीं आयात और फवाइल के मजामीन मरबूत हैं। ख़ुद ये बात एक बड़ी फ़ज़ीलत है कि हकायक क़ुरानी अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और बयान नहीं कर सकता। ये बात सूरह मुबारक आले इमरान के शुरू में हक सुबहाना व ताला ने भी फरमाई है कि तावील आयात की या अल्लाह जानता है या रासिखून फिल इल्म जानते हैं। ख़ुद सूरह मुबारक अनकबूत में एक आयत है, इसी ज़िम्न में आगे बढ़कर वसत तकरीबन निसफ थानी के शुरू में है, आयत नंबर 43 है, जिसमें इरशाद फरमाया है व तिलकल अम्सालु, सूरह अनकबूत ही की आयत है, व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नास वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून। परवरदिगार आलम फरमाता है कि हम ये सब मिसालें बयान करते हैं, ये हकायक बयान करते हैं, ये मतालिब बयान करते हैं, लेकिन इसे समझ नहीं सकते मगर वो जो आलिम हैं, इल्लल आलिमून। और यहाँ पर फिर हदीस है जिसमें कहा गया कि यहाँ आलिमून से मुराद हर कस व नाकस नहीं है, ये सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत ताहिरा से होने वाले अइमे मासूमीन है कि जिन्हें अल्लाह आलिम कहे। हम तो किसी को भी आलिम कह देते हैं, आलिम, अल्लामा, अल्लाम और जितने भी मुबालिगे के सेगे हैं सब इस्तेमाल कर लें। जिसके ऊपर दिल, जिससे दिल खुश हो गया उसके अंदर सारे औसाफ नज़र आते हैं, और जिससे ज़रा सी नाराज़गी हो गई उसके सारे औसाफ मिट जाते हैं आनन फानन, और उसमें सारी बुराइयां नज़र आने लगती हैं। हम जिसे चाहें आलिम कहें, अल्लामा कहें, अल्लाह अगर किसी को आलिम कहें। इस आयत में वमा यअक़िलुहा इल्लल आलिमून, और इसे नहीं समझ सकते, इसे नहीं समझते मगर वो जो आलिम है। ये आलिम कौन है? चारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम इसके बारिज़ तरीन मिसदाक हैं। और उसमें भी जब चाहे वो हकायक अनफुसी हों या हकायक आफाकी, चाहे वो कायनाती हकायक हों या अनफुसी हकायक हों, चाहे हमारे अंदर के हकायक हों या हमारे बाहर के हकायक हों, ये तमाम हकायक जिस तरह अइमे हुदा अलैहिस्सलाम पर रोशन हैं और किसी पर रोशन नहीं है। और इसलिए जब वो फरमा रहे हैं कि आजमाइश में डालने का सबब एक ये है कि इंसान के दिल से तकब्बुर दूर हो जाए। हल मैंने अर्ज़ किया था कि क़ुरान मजीद ने तकरीबन 25 मकामात पर तकब्बुर के मौजू को एड्रेस किया है, जिनमें से सूरह बकरा ही में जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस का कज़िया आता है
अल्लाह सुबहाना व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि जब हम ये खाक का पुतला जो बना रहे हैं, इस खाक के पुतले में जब हम रूह डालें, फ़क़ाऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब के सब सजदा करना। जनाब आदम का पैकर बनाया गया, रूह फूंकी गई, सब ने सजदा किया मगर शैतान ने सजदा नहीं किया। अब ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाइए कि इस मकाम पर क़ुरान मजीद ने क्या लफ्ज़ें इस्तेमाल की हैं। सूरह बकरा में وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, और जब हमने कहा मलाइका से कि सजदा करो आदम के लिए, फसजदु, सब ने सजदा किया, इल्ला इबलीस, मगर इबलीस ने सजदा नहीं किया। उसके बाद क्या है, अबा, उसने इनकार किया, और वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। क्या किया? तकब्बुर किया। आदम को सजदा अगर शैतान ने नहीं किया तो उसका सबब क्या था? तकब्बुर। और वो बात कहाँ तक पहुँची? इसी आयत को मुलाहिज़ा फरमाइए, वकाना मिनल काफिरीन, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। ये अल्फाज कुरान मजीद के हैं। तकब्बुर वो शय है जो इंसान को कुफ्र तक पहुँचा देती है। तकब्बुर, किस लिए तकब्बुर करता है इंसान? सलाम अलैकुम, बेफरमाइद इंजा, बेफरमाइद, तो सदर मजलिस जय शुमा इंजा, बेफरमाइद, एक सलावात पढ़िए। गौर फरमा रहे हैं आप, तकब्बुर शैतान ने किया और काफिरों में से हो गया। ये तकब्बुर है जो इंसान को कुफ्र की मंजिल तक पहुंचा देता है। कल जो हदीस मासूम का मज़मून मैंने अर्ज़ किया था, उसी की रोशनी में ये बात आश्कारा हो जाती है कि तकब्बुर इंसान को कुफ्र तक पहुंचा सकता है। क्यों? इसलिए कि मासूम ने फरमाया, तकब्बुर ये है कि इंसान हक को बातिल करार दे और बातिल को हक। तवज्जो है, जब हक को बातिल करार देगा इंसान और बातिल को हक, तो कुफ्र और किस चीज़ का नाम है? लफ्ज़ कुफ्र के मानी क्या है? कभी इस पर गौर फरमाया आपने? हिंदुस्तान में अब ये कुरानी कलिमा है, इसकी वजाहत भी हो जाए तो अच्छा है। हिंदुस्तान में हिंदू बरादरान वो आकर कहते हैं कि आप हमें दुश्नाम तराजी करते हैं, आप दुश्नाम यानी गालियां देते हैं, आप हमारे लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कहा, कौन से बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए? इस्लाम दीन अमन है और क़ुरान वो किताब है जिसमें एक लफ्ज़ भी खिलाफ तकाज़ाए रहमत नहीं इस्तेमाल हुआ। दुश्नाम तराजी की बात आप कर रहे हैं? कुरान मजीद किताब रहमत है, किताब नूर है, किताब गैज़ व गज़ब नहीं है, किताब रहमत है। अलबत्ता इस पर ठहर कर बात होगी, बाज़ हज़रात रहमत के मानी ये समझते हैं कि फिर ज़िंदगी में कहीं पर कोई सख्त रवैया भी इस्तेमाल ना किया जाए, इख्तियार ना किया जाए। यानी रहमत के मानी है कि फिर गैज़ व गज़ब ना हो, मोहब्बत के मानी है कि गुस्सा ना किया जाए, ये नहीं है। मोहब्बत, ये बात आ गई दरमियान में तो अर्ज कर दूँ, हम खुतबे में एक अजीज़ ने सवाल किया था, तहरीरी सवाल किया था, मैंने तहरीरी जवाब भी अर्ज़ किया, और अभी फिर सवाल आया है, इंशाल्लाह वो भी जवाब अर्ज़ कर दूँगा। खुतबे में मसलन हम हम्द खुदावंद मुताल और नात पैगंबर और सलावात पर मुहम्मद व आले मुहम्मद के साथ दुश्मनान दीन के लिए लान का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बाज़ हज़रात समझते हैं कि ये
चीज़ मुनासिब नहीं है। न सिर्फ ये कि मुनासिब है बल्कि ये वाजिबात में से है, वाजिबात में से है, वाजिब दीनी है, वाजिब अखलाकी है, वाजिब शरई है। हम इस वाजिब से दस्तबरदार नहीं हो सकते। बद अखलाकी अलग एक चीज़ है, दुश्नाम तराजी अलग एक चीज़ है, बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना अलग एक चीज़ है, लेकिन लान के मानी हैं सलावात के बिलमुकाबल। सलावात के मानी है परवरदिगार रहमत नाजिल फरमा, लान के मानी परवरदिगार अपनी रहमत से दूर कर दे। ये लफ्ज़ तंबीही लफ्ज़ है, कम से कम ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होगा, खुदा मालूम किस वक्त किसके दिल पे असर कर जाए कि परवरदिगार कहीं हम उनमें से ना हो जिन्हें रहमत से दूर किया जा रहा है। और सिर्फ इस तंबीह से वो दीन की तरफ ज़्यादा मायल हो जाए, दीन में दाखिल हो जाए, अपने दिल से नफाक को दूर कर दे। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये कि हम अपने दिल की भी हिफाजत कर सकें। इंसान अपने घर की जिस तरह हिफाजत करता है, घर में सब कुछ होता है, दरवाज़ा होता है कि नहीं, और कभी कभी ज़रूरतन दरवाज़े के बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े किए जाते हैं कि नहीं, और सिक्योरिटी गार्ड भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, आदमी भी होते हैं और कुत्ते भी होते हैं, वो ज़रूरी है कि नहीं। शरीयत ने कुत्ते को नजिस करार दिया है, कुत्ते का ख़रीदना बेचना हराम है, मगर वो कुत्ता जो सिखाया पढ़ाया हुआ हो, जो सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करें, उसका ख़रीदना बेचना जायज़ है। हैं, आप अपने घर की इस मादी घर की हिफाजत के लिए जिस तरह कुछ अहतमाम करते हैं, और जो सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं वो क्या पानी पिलाने के लिए रखे जाते हैं, सबील लेके खड़े होते हैं, उनके पास असलहा होता है, उनकी ट्रेनिंग ये होती है कि अगर तुम देखो कोई मुश्तबा शख्स है तो उसे सख्त निगाह से देखो। और फरमाया आप, जिस तरह हमें अपने घर की मादी घर की हिफाजत करनी है, उसी तरह अपने दिल की हिफाजत करनी है। इस दिल में नूर तौहीद है, इस दिल में जौहर रहमत है, मगर इस दिल के अंदर कोई और अंसुर निफाक दाखिल ना होने पाए, इस दिल में ईमान में कभी कमज़ोरी ना आने पाए। इसलिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। वाजिबात में से दलाइल हैं, कुरान से हदीस से बेशुमार दलाइल हैं। मैंने अर्ज़ किया था कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिससे मोहब्बत करें आप उससे मोहब्बत करें, जिससे वो नफ़रत करें आप उससे नफ़रत करें। सवाल ये आया कि क्या पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन है वो किसी से नफ़रत भी करते हैं? जी हाँ। ईमान की तारीफ बहुत सी एक से ज़ायद हदीसों में, अहादीथ मुस्तफ़ीज़ा में, अहादीथ सहीहा में ईमान की तारीफ पैगंबर से और अइम्मे अथार से ये वारिद हुई है, और इसकी तायीद में अस्हाब किराम के अकवाल वारिद हुए हैं कि हकीकत ईमान, जहाँ मुजमलन बयान करना होता है, कहीं तफसील से आप कोई बात बयान करते हैं, कहीं इजमाल से बयान करते हैं। कोई शख्स तफसील से बयान कर पूछना चाहे इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, तो आप घंटों नहीं बल्कि दिनों महीनों बरसों से समझाते रहें दीन क्या है, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। कभी कभी एक जुमले में जवाब देकर आगे बढ़ना होता है कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हसब मौका गुफ्तगू होती है। इसकी बहुत सी मिसालें हयात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मिलेंगी, बहुत सी मिसालें हयात मासूमीन से मिलेंगी। मसलन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कहीं तशरीफ़ ले जा रहे हैं, बाज़ रिवायतों में कि जंग पे जा रहे हैं, महाज़ जंग पे पहुंचना है, घोड़े पे सवार हो रहे हैं, एक पांव आपने रकाब में रखा, दूसरा रकाब में रखने वाले हैं, एक शख्स वहाँ खड़ा होकर पूछता है, या अली मल इस्लाम, ए अली बताइए इस्लाम क्या है। और फरमाने किस मौके पे क्या सवाल, और कौन है किस में कुदरत है जो उस वक्त समझा सके कि इस्लाम क्या है, मगर वो बाब मदीना इल्म है। उन्होंने दो अल्फाज कहे और आगे बढ़ गए, और उसी में सब कुछ है।
वो दो कलिमात क्या हैं? कहा अल्लाह की इताअत और खल्कुल्लाह पे शफ़क़त, बस यही है इस्लाम। आगे बढ़ो, इसमें कुल इस्लाम है। अत्ताअतु लिल्लाह व शफ़क़तु अला इबादिल्लाह, अल्लाह की इताअत और अल्लाह के बंदों पे शफ़क़त, यही कुल इस्लाम है। तवज्जो है, इसमें कुल इस्लाम आ गया। इसी तरह मैं मिसाल अर्ज़ कर रहा था कि किस तरीके से किसी एक बड़ी बहस को समेट कर किस किस रुख से पेश किया जा सकता है। तो बहुत सी हदीसें और बहुत से अक़वाल सहाबा के हैं, सहाबा के हैं और मासूमीन की हदीसें हैं, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें हैं, जिसमें इरशाद फरमाया गया है। मासूम ने कहा ये मज़मून, उसका ख़ुलासा है कि ईमान क्या है, का अल्हुब्बु लिल्लाह वल्बुग्ध लिल्लाह, या अल्हुब्बु फिल्लाह वल्बुग्ध फिल्लाह, अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफ़रत, यह कुल ईमान। ईमान की तारीफ ये, हम किसी को चाहें तो खुदा के लिए चाहें, हम किसी से मोहब्बत करें तो खुदा की खातिर मोहब्बत करें, हम किसी से रूठ जाएं तो भी खुदा की खातिर रूठ जाएं, ना कि अपने नफ्स की खातिर। और ऐसे मौाक़े आते हैं, जहाँ खुदा की खातिर इंसान को गैज़ो गज़ब का इजहार करना पड़ता है। अगर यही बुनियाद बना ली जाए कि रहमत आलम है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुन लिल आलमीन है, बेशक रहमतुन लिल आलमीन है, तो फिर 84 जंगें किस लिए हुई? बदर में किस लिए खून रेजी हुई? उहद में किस लिए खून रेजी हुई? खंदक में किस लिए खून रेजी हुई? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्र इब्न अब्दवद को कत्ल किस लिए किया? मरहब को, अंतर को किस लिए कत्ल किया? अगर रहमत आलम, रहमत का तकाजा यह है कि किसी पर तलवार ना उठाए, किसी को कत्ल ना करें। हाँ, ये और बात है, वो जुमला मेरा आप हजरात को याद होगा, और याद ना हो तो मैं याद दिला रहा हूँ कि जब हम मकाम फ़ज़ाइल में ये चीज़ें पढ़ते हैं तो कम से कम मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि किसी का कत्ल करना अली की मजबूरी थी, फ़ज़ीलत नहीं थी। किसी का कत्ल करना अली की मजबूरी थी, फ़ज़ीलत नहीं थी। इसी तरह नफ़रत करना भी हमारी मजबूरी होती है कभी कभी, हमारी खूह नहीं है, आदत नहीं है। झूठ से नफ़रत की जाए या नहीं, खयानत से नफ़रत की जाए या नहीं, नफ़रत के मानी क्या है? नफ़रत यानी नापसंदीदगी, पसंद के मुकाबले में। सच पसंद कीजिए, झूठ नापसंद कीजिए। नापसंद के लिए ज़रा शदीदतर लफ्ज़ नफ़रत, नापसंद फ़ारसी का कलिमा है, नफ़रत का मादा अरबी है, हैं बुग़्ज़ का मादा अरबी है, लफ्ज़ बुग़्ज़ अरबी है, ज़रा शदीदतर है उर्दू के इस्तेमाल में। झूठ से नफ़रत की जाए या नहीं, खयानत से नफ़रत की जाए या नहीं, हसद से नफ़रत की जाए या नहीं, नफ़रत से नफ़रत की जाए या नहीं, तवज्जो रखिए, नफ़रत का रवैया इख्तियार करने से नफ़रत की जाए या नहीं, तवज्जो है। नफ़रत कहीं ज़रूरी होती है, और अगर कोई शख्स ऐसा हो, कोई फ़र्द ऐसा हो, मैं अक्सर कहता हूँ बुराई से नफ़रत करो, बुरे से नफ़रत ना करो, लेकिन अगर कोई बुरा ऐसा हो कि जो मुजस्सम बुराई बन चुका हो, फिर क्या करें, फिर क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे हमारे जिस्म में कहीं कोई ऐसा ज़ख्म हो जाता है कि वो नऊज़ु बिल्लाह सरतान हो जाता है, कैंसर हो जाता है, डॉक्टर कहता है अब इसे काट के दूर कर दीजिए, अब ये आपके जिस्म का हिस्सा रहने के काबिल नहीं है। इसी तरह इंसान की मुआशरती ज़िंदगी है, इसी तरह इंसान की अखलाकी ज़िंदगी है। अल्लाह रहमान है, रहीम है, और वो क़ुरान मजीद में ऐलान फरमाता है कि हमने शैतान को रांदे दरगाह करार दे दिया, और उस पर लान फरमाता है, लान का हुक्म कुरान मजीद में दिया गया है। अब ज़रा सा ठहर कर आप इस मौजू को मैं अर्ज़ करूँ और कुरान मजीद से आयत पढ़ूँ आपके सामने।
ज़बानी पढ़ता रहता हूँ, अब देख के पढ़ रहा हूँ। आप हजरात को आयत याद होगी सूरह अहज़ाब, सूरह नंबर 33, उसकी आयत नंबर 56। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनु सल्लू अलैहि व सल्लमु तस्लीमा। ये आयत क्या है? आयत सलावात है, आयत सलाम है, आयत रहमत है ना। इसके फौरन बाद ये थी आयत नंबर 56, 56। आयत नंबर 57 क्या है, 57 क्या है? इन्नल्लज़ीना युदूनल्लाह व रसूलहु, और बेशक जो लोग अल्लाह को अज़ियत देते हैं और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, लअनहुमुल्लाहु, अल्लाह ने उन पर लअनत की है, फिद दुनिया वल आखिरते, दुनिया में भी और आखिरत में भी, व अअद्दा लहुम अज़ाबम मुहीना, और उनके लिए इंतहाई रुस्वा कुन अज़ाब तैयार कर रखा है। ये आयत में पढ़ रहा हूँ ना कुरान मजीद से। रहमत खुदावंदी, अल्लाह को कौन अज़ियत कर सकता है मगर अल्लाह? अल्लाह काबिल अज़ियत है? अल्लाह को अज़ियत की जा सकती है? अल्लाह को अज़ियत करने के क्या मानी है? यानी अहकाम इलाही का मजाक उड़ाए कोई, हक़ को बातिल करार दे, बातिल को हक़ करार दे, ठीक है। अल्लाह ने जो हकूक़ रखे हैं उसे कोई इंसान पामाल करे, हकूक़ को ज़ाया करे, फ़राइज़ को अदा ना करे। अल्लाह ने जिसको मुहतरम करार दिया है उसके एहतराम को बाकी ना रखे। रसूलुल्लाह को अज़ियत देने के क्या मानिए? लफ्ज़ अज़ियत यहाँ आयत में है, इन्नल्लज़ीना युदूनल्लाह व रसूलहु, जो लोग अल्लाह को अज़ियत देते हैं और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं। अज़ियत किस चीज़ को कहते हैं? रसूल कह रहे हैं यहाँ खड़े रहो, हम हट जाएँ वहाँ से। आप अपने दिलों का जायज़ा लें। एक बाप, शफीक बाप अपने बेटे को, जिसे समझता है मेरा सआदतमंद लायक होनहार बेटा है, अगर कहे बेटा तुम यहाँ, तुम एक घंटे यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, हम आते हैं, कोई वजह ना बताए, कुछ ना बताए। अब बेटा जो है इश्तिहाद करने लगे, पता नहीं किस लिए बिला वजह मुझे यहाँ एक घंटे के लिए बैठा दिया है, और वो वहाँ से हट जाए, बाप को अज़ियत होगी या नहीं? मैं तो बहुत हल्की मिसाल दे रहा हूँ, बात इससे आगे भी होती, सख्त तरीन मंजिलें ज़िंदगी में आती हैं। एक बाप बेटे की नाफरमानी से अज़ियत में मुब्तला होता है। एक सरबराह, कोई किसी दफ्तर का सरबराह है, दफ्तर का डायरेक्टर है, चेयरमैन है, वो मातहत लोगों की नाफरमानी से अज़ियत में मुब्तला होता है। एक इमाम है, एक नबी है, एक रसूल है, एक पैगंबर है, वो मातहत लोगों की नाफरमानी से अज़ियत में मुब्तला होता है। अज़ियत किसे कहते हैं? वो भी अज़ियत के हालात होते हैं। एक वक्त होता है कि एक ही बात, एक नाफरमानी एक वक्त में इंसान झेल लेता है। मैं सेहतमंद हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, और मैंने किसी से कहा कि बेटे से कहा या किसी से कहा मेरा ये काम कर दो, ज़रा कलम उठा देना बेटा, ज़रा किताब उठा देना बेटा, मैं सेहतमंद हूँ। बेटे ने नहीं सुना, इधर से उधर चला गया, मैंने भी टाल दिया, उठ के ख़ुद से उठा लिया। अब एक वक्त यह है कि मैं बिस्तर पर हूँ, बीमार हूँ, मैं कह रहा हूँ ज़रा कलम उठा दो हमें, ज़रा कागज़ उठा दो हमें, उस वक्त कोई न दे तो अज़ियत कितनी होगी? और जब अज़ियत होगी तो लानत का मुस्तहिक होगा या नहीं होगा? और हमारे हालात होते हैं ना, तज़िया करें कि हालात क्या क्या होते हैं। एक सरबराह है, उसे कयामत तक के लिए अपनी उम्मत की फिक्र है, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि रहमत आलम है, जिनके लिए रहमत का अहतमाम कर रहे हैं वो खुद पैगंबर के लिए अज़ियत का सामान कर रहे हैं। एक लश्कर बनाया पैगंबर ने, एक फ़ौज तरतीब दी और कहा सब लोग इस फौज में शरीक हो जाओ, सब फलां फलां नाम ले लेकर फलां फलां सब शरीक हो जाओ इसमें, जाओ। उसामा को उसका सरबराह बना दिया, उसको कहते हैं जैशे उसामा। ये जैश उसामा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में तरतीब दिया और मदीने से बाहर भेज दिया, और उसके बाद आपकी बीमारी में शिद्दत पैदा हुई
और फिर तारीखों में है, सही हदीसों में है, पैगंबर ने मिंबर पर बैठकर ऐलान किया अपनी नहीफ आवाज में कि लअनल्लाहु मन तखल्लफ जैश उसामा, जो जैश उसामा यानी उसामा के लश्कर में शरीक न हो, इससे मुंह मोड़े, रूगरदानी करे, पीठ दिखाए, उस पर अल्लाह लानत करे। कौन कह रहा है? रहमत आलम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम वही फरमा रहे हैं और फरमा रहे हैं। तो इस एतबार से ये ना सोचिए कि रहमत के तकाजे सिर्फ ये होते हैं कि आप हमेशा नरमी से गुफ्तगू करें, आप हमेशा हर एक के साथ आप बिछे रहें ताकि लोग आपको पामाल करते रहें। नहीं, रहमत के ये मानी नहीं है। ये बहस तफसील से आएगी इंशाअल्लाह। हालांकि ये बहस शुरू ही होनी चाहिए थी किसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बहस, अभी बाकी है, कहाँ मुकम्मल हुई, आगे बढ़ गया। मैं ख़ुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जहाँ रहमान और रहीम दो कलिमात मौजूद हैं, वहीं ये बहस होनी है कि रहमत इमाम सिफात खुदा है। अल्लाह सुबहानहु व तआला की जितनी सिफतें, उन तमाम सिफतों में इमामत की सिफत को हासिल है रहमत को, मगर उसके बावजूद गज़ब है या नहीं अल्लाह के यहाँ, कहर है या नहीं अल्लाह के यहाँ। और ये गज़ब रहमत के मुकाबिल में नहीं है। लुत्फ की बात यह है कि ये गज़ब भी रहमत की इमामत में काम कर रहा है। गज़ब खुदा इमामत रहमत खुदा में काम कर रहा है। ये नुकात खोल कर समझने और बयान करने से ताल्लुक़ रखते हैं। इरफानियात के मबाहिस हैं, ये सिफात इलाहिया के मबाहिस हैं। जब तौहीद सिफाती की बात होगी तो ये बहस बहुत अमीक है, बहुत अमीक बहस है, ये मामूली बहस नहीं है। और जब इसकी तकबीक करेंगे आप ज़िंदगी के और कायनात के हस्ती के मुख्तलिफ शोबों और मुख्तलिफ पहलुओं पर, तो मतालिब और उभर के सामने आएंगे। बात कहीं से कहीं पहुँच गई। ये इस वक्त फिर समेट के आता हूँ उस मंजिल तक कि अर्ज़ कर रहा था कि हम अगर तकब्बुर में मुब्तला हो जाएं तो ये भी सबब होगा कि हम काफिरीन में शामिल हो जाएं और हम ख़ुद मलऊन बन जाएं। अल्लाह बचाए उस वक्त से। यहीं से अर्ज़ में कर रहा था कि रहमत खुदावंदी को आप समझें कि ये किताब किताब रहमत है, किताब किताब नूर है, मगर अगर इसमें लफ्ज़ काफिर आया है, जिसे वो कहते हैं हमारे काफिर हिंदू बरादरान कि आप दुश्नाम करते हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि लफ्ज़ काफिर पे। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा क्या दुश्नाम, आप किस लफ्ज़ को समझते हैं दुश्नाम? उनका आप हमें काफिर कहते हैं। हमने कहा काफिर कोई बुरा लफ्ज़ है? काफिर तो इंतहाई लतीफ़, इंतहाई शाइस्ता, इंतहाई बेहतरीन लफ्ज़ अल्फाज में से। नहीं, आप इसे गौर कीजिए। देखिए, मैं कभी कभी आपने फ़ारसी गज़लों का मुताला किया है, उर्दू गज़लों का मुताला किया, क्लासिकल लिटरेचर का मुताला किया है? माशूक़ की सिफत में कहते हैं काफिर, क्या काफिर अदाएँ हैं, ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या आप माशूक़ को दुश्नाम तराजी कर रहे हैं? बुरे अल्फाज गालियाँ दे रहे हैं आप माशूक़ को? माशूक़ है और उसे गालियाँ दे रहे हैं? नहीं, लफ्ज़ कुफ्र और लफ्ज़ काफिर बड़ा लतीफ़ कलेमा। और अभी तो बहुत मामूली मैंने बहुत पस्त मिसाल दी थी, अब आला मिसाल दे रहा हूँ। लफ्ज़ अच्छा और बुरा कैसे होता है? लफ्ज़ का मादा रूट वर्ड काफ़रे है, काफ़रा। कफ़रे के मानी क्या है? कफ़रा के मानी है किसी चीज़ को छुपाना या किसी चीज़ का इनकार करना। सीधी सी बात, इनकार करना या छुपाना। कफ़रा ये मुजर्रद है मादा। जब ये मादा मजीद फीह के अबुआब में जाता है तो कफ़रा भी एक कलिमा आता है, वही रूट वर्ड है, वही मादा है। ये अरबी का कायदा है कि जब मजीद फीह में जाता है तो मानी में कुछ इजाफा होता है, कुछ शिद्दत पैदा होती है। तो कफ़रा के मानी छुपाना, कफ़रा में यानी उसी मानी में और शिद्दत पैदा हो गई। उसने अपनी ज़ात का इनकार करने वालों के लिए लफ्ज़ कफ़रा से काफिर इस्म मुश्तक किया, और ख़ुद अपनी ज़ात के लिए अल्लाह सुबहानहु व तआला ने लफ्ज़ कफ़ार इस्तेमाल किया है। अल्लाह,
जिस लफ्ज से अल्लाह अपना कोई नाम तजवीज़ फरमाए, अपने लिए नाम या लकब इख्तियार फरमाए, अगर उसी रूट वर्ड से आपका नाम रख रहा है तो ये गाली है या एहतराम? कफ़ार क्यों है अल्लाह? कफ़ारुज़्ज़ुनूब, यानी ए बंदो तुम जितने गुनाह करते हो हम उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे गुनाहों को छुपाने वाले। मुकफ़िरुस्सय्यात, तुम्हारी बुराइयों को मिटाने वाले हैं, तुम्हारे गुनाहों को छुपाने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसी रूट वर्ड से उसने अपने लिए नाम इख्तियार फरमाया और उसी रूट वर्ड से उसने अपने इनकार करने वालों के लिए कहा कि भाई काफिरीन यानी इनकार करने वाले, हकीकत को छुपाने वाले। यह है लुत्फ, यह है रहमत। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुरान मजीद किताब रहमत है, किताब लुत्फ है। एक लफ्ज़ इसमें ऐसा नहीं है कि जिसे कोई कहे कि यह खिलाफ तहजीब है, नऊज़ु बिल्लाह। मगर कोई चीज़ कुरान में खिलाफ तहजीब हो सकती है? मगर कोई कलमा कुरान मजीद में नाशाइस्ता हो सकता है, खाकम बदान? मुमकिन नहीं है। नाशाइस्ता और खिलाफ तहजीब तो बहुत दूर की बात है। खिलाफ तकाज़ाए रहमत कोई इबारत नहीं है कुरान मजीद में। कातिल को अगर सज़ा दी गई, क़िसास का हुक्म दिया गया तो वो भी दिया गया किस लिए? कि तुम इसको कत्ल कर दो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी महफूज रहे। इसके कत्ल करने में तुम्हारी ज़िंदगी है, यानी मुआशरे की ज़िंदगी है। यानी कत्ल का हुक्म भी इसमें कहर है, गज़ब है, मगर इमाम रहमत है। सिफत रहमत इमाम है और सिफत गज़ब मामूम। सिफत गज़ब काम करती है मगर इमामत रहमत की इमामत में, रहमत की सरबराही में। और यह कुरान मजीद है। अब यहीं से फिर अपनी असल महवर बहस की तरफ वापस पलटते हैं इस गुरेज़ के साथ कि जब ये निज़ाम है कि अल्लाह की सिफत में, अल्लाह के सिफात में असल चीज़ है रहमत, इमाम सिफात रहमत है, लेकिन गज़ब भी है, कहर भी है, और कहर के भी मरातब हैं। कहीं मैंने अर्ज़ किया था कि इस दुनिया में और कायनात में मखलूकात के लिए अल्लाह ने कहर का इस्तेमाल तो अपनी रहमत के तकाज़ों को नाफिज करने के लिए कहर इस्तेमाल किया है। रहमत के तकाज़ों को नाफिज करने के लिए कहर का इस्तेमाल किया है। यानी हम जो अज़राह रहमत तुम्हें दे रहे हैं, तुम लेना नहीं चाहते, तो हम ऐसा सख्त रवैया अख्तियार करेंगे कि तुम्हें लेना पड़ेगा। इसकी मिसाल माँ बाप की मिसाल है। माँ बाप कभी कभी देखते हैं कि बच्चे को प्यास लगी है, बच्चा नादान है, प्यास से रो रहा है, बिलक रहा है, तड़प रहा है, लेकिन पानी पी भी नहीं रहा है। तबीयत की ख़राबी होती, अजीब अजीब कैफियतें इंसान पे होती हैं, बच्चे पे। बच्चा है, साल भर का बच्चा है, दो बरस का बच्चा है। वो माँ जो हर वक्त बच्चे को सीने से लगाती है, प्यार करती है, वही माँ उसे मार कर डांट कर पानी भी पिलाती है। ये मारने का सबब क्या है? ताकि वो पानी पी ले। डांटने का सबब क्या है? ताकि वो ग़िज़ा खा ले। यानी ये मारना डांटना गज़ब है, कहर है, मगर इसलिए है कि रहमत का तकाजा पूरा हो जाए। जिस तरह माँ की शख्सियत में, बाप की शख्सियत में ये रहमत इलाहिया का मज़हर सामने आता है, ये मवाहिर सामने आते हैं, उसी तरह इस कायनात में इमाम सिफात हक रहमत है, मगर उसके पीछे पीछे गज़ब भी है, कहर भी है। इसी तरह हमारा दीन सलावात व सलाम का दीन है, सिल्म का दीन है, अमन का दीन है, लेकिन उसमें भी जो लोग ख़ुद सलावात व सलाम के निज़ाम को, सिल्म के निज़ाम को, अमन के निज़ाम को गारत करने वाले हैं, उनके लिए लान करना भी ज़रूरी है। और दो ख़ास वजह ये हैं कि लान से कभी कभी शायद कोई शख्स हिदायत भी आ जाए, और लान से कम हम होशियार रहें कि हम कभी गफलत में मुबतला ना हो जाएं। अपने दिल की भी हिफाजत और दूसरे के लिए भी तंबीह का सिलसिला जारी रहे।
मेरा ख़्याल है कि बहस आज दूसरे रुख पे चली गई, लेकिन ये बहस भी ज़रूरी थी। ये सिर्फ वक्त के दामन में रहते हुए एक जवाब था, वरना मुफस्सल मैंने जो जवाब लिखा है वो तकरीबन कई सफ़ों का जवाब है, और वो पूरा एक फ़िक़ही रिसाला है एक एतबार से कि फ़िक़ही नुक्ते नज़र से इसका हुक्म क्या है। परवरदिगार हमें और आपको सबको तौफीक अता फरमाए कि हम रहमत इलाहिया के तकाज़ों को अपनी ज़िंदगी में बरत सकें, कहर व ग़ज़ब इलाही से बच सकें, हम हमेशा दामन विलायत को अपने हाथों में रखें, हम अपने वली आसर अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की बैअत में रहें, वो हमारी खिदमत और नौकरी कबूल फरमाएँ, अपने नौकरों में शुमार फरमाएँ, अपने खुद्दाम में शुमार फरमाएँ, और हमारी जानें उनके कदमों पर निसार हो जाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.